नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बाचारी रियाज पाटिल। व्हाट टू डू इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 10वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, यानी व्हाट टू डू आफ्टर 10th। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो इस वीडियो के अंदर हम आज देखेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर 12th, यानी 12वीं कक्षा के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जिस तरीके से 10th स्टैंडर्ड के बाद करियर डिसाइड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहाँ पर आपको तीन चीज़ों में से पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है, 11th 12th करना है, डिप्लोमा करना है या ITR करना है। लेकिन 11th 12th का वैसे नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है करियर डिसाइड करना, क्योंकि आप तीन अलग अलग रास्तों के थ्रू 11th 12th कम्प्लीट करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो सब लोगों के अलग अलग करियर ऑप्शंस होते हैं। आर्ट्स वालों के करियर ऑप्शन अलग हैं, कॉमर्स वालों के करियर ऑप्शन अलग हैं, साइंस वालों के करियर ऑप्शन अलग हैं, और तीनों के मिला के एक जो कॉमन करियर ऑप्शन है वो अलग है, तो बहुत ही आसान होता है। और अगर आपने सही करियर चूज़ नहीं किया 11th 12th के बाद, तो बहुत ही हार्ड हो जाता है आगे, आप भटक जाओगे। आप क्या होगा, जो आपने इतनी पढ़ाई की थी 11th 12th में, वो पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी और आप क्या होगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, आपको डिसाइड करना है 11th 12th के बाद कि डायरेक्टली ये डिसाइड करना है कि मुझे अभी क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। पहले आप वो देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, मुझे पढ़ना है, एजुकेशनल करियर बनाना है या नॉन एजुकेशनल करियर बनाना है, ये पहले आप डिसाइड करो। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो आपका पूरा जो है आगे का जो ज़िंदगी का सफ़र है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले अपने गोल को डिसाइड कीजिए कि आपको बनना क्या है, फिर उसके हिसाब से आप अपने करियर पाथ को चूज़ कीजिए। तो फिर आगे के पार्ट में देखेंगे कि आप जो जो करियर ऑप्शंस हैं कि आप 11th 12th के बाद एक्चुअली क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में। ग्यारहवीं बारहवीं के बाद आप दो तरीके के करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, पहला है एजुकेशनल और दूसरा है नॉन एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब उसके लिए आपको बहुत सी पढ़ाई करनी पड़ती है, और नॉन एजुकेशनल मतलब उसके लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो पहले बात करेंगे एजुकेशनल करियर ऑप्शंस के बारे में। आप 12वीं जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीन अलग अलग ट्रेड्स के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से तीनों कोर्सेज के अलग अलग डिग्रियाँ आप हासिल कर सकते हैं तीनों के बाद, और कुछ कॉमन डिग्रियाँ भी हैं जो आप इनमें से किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। तो अगर आपने आर्ट्स किया हो, कॉमर्स किया हो या फिर साइंस किया हो, तो आप उसके बाद बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, टीचर बनना हो तो डीएड बीएड कर सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है तो बीबीए एमबीए कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी के अंदर जाना है तो बीएचएम कर सकते हो, डिज़ाइनिंग में जाना है तो बीडीईएस कर सकते हो, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग के अंदर करना है तो आप बैचलर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ कुछ बताए हैं, इससे भी बहुत सारे ज़्यादा अलग अलग कोर्सेस हैं जो आप इन तीनों में से किसी भी एक ट्रेड के अंदर अपना 12वीं कंप्लीट करने के बाद कॉमनली कर सकते हो। तो जिस तरीके से कॉमन डिग्रियां आप हासिल कर सकते हैं आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस में 11th 12th कंप्लीट करने के बाद, उसी तरीके से कुछ कॉमन करियर ऑप्शंस भी हैं जो आप 11th 12th आर्ट्स से करो, कॉमर्स से करो या फिर साइंस से करो, आप इनमें से किसी भी एक करियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। तो आप पुलिस बन सकते हो, आर्मी में ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए आप NCC वगैरह करके आप आसानी से उसके अंदर भर्ती कर सकते हो, आप टीचर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन सकते हो, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हो बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद IAS IPS की, बिजनेसमैन बन सकते हो, और वैसे बहुत सारे अलग अलग आप कोर्सेस कर सकते हो अपने अपने आइडिया के हिसाब से। तो जिस तरीके से हमने अभी कॉमन करियर ऑप्शंस के बारे में, कॉमन डिग्रियों के बारे में बात की, उसी तरीके से अब हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव डिग्रियों के बारे में, एक्सक्लूसिव करियर ऑप्शंस के बारे में, जो आप सिर्फ उस सर्टन ट्रेड के थ्रू जाने के बाद ही हासिल कर सकते हो। तो पहले है कॉमर्स। अगर आपको बैंकिंग फील्ड के अंदर करियर करना है, पैसों के रिलेटेड अगर जॉब करना है, तो आपको कॉमर्स के थ्रू जाना पड़ेगा।
आपको 11th 12th कॉमर्स में करना पड़ेगा, फिर बीकॉम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, बैंक में ज्वाइन हो सकते हो या फिर खुद का कोई प्राइवेट पैसों के हिसाब से काम चालू कर सकते हो, या फिर आप एमकॉम करके सीए हो सकते हो, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स दे के आप अपना इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आईएएस आईपीएस भी बन सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है। तो जिस तरीके से कॉमर्स के अंदर एक्सक्लूसिव करियर ऑप्शंस हैं, एक्सक्लूसिव डिग्रियां हैं, उसी तरीके से साइंस के अंदर भी एक्सक्लूसिव करियर ऑप्शंस हैं और एक्सक्लूसिव डिग्रियां आप हासिल कर सकते हो। तो साइंस में अगर आपने 11th 12th कंप्लीट किया है तो आपके सामने तीन रास्ते खुलते हैं। पहला है मेडिकल, दूसरा है टेक्निकल और तीसरा है अदर्स। तो मेडिकल के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हो और मेडिकल के रिलेटेड जितने भी करियर ऑप्शंस हैं वो आप चूज कर सकते हो। जैसे आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, उसमें होम्योपैथी आया, एलोपैथी आया, वो सब आया उसके अंदर। फिर उसके बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड के अंदर जाना है तो आपको नीट एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा, फिर आप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो टेक्निकल के अंदर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट सेकंड ईयर, या फिर आप बीई में फर्स्ट ईयर ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं अवेलेबल। अगर आपको बीई करना है तो आपको जेई या फिर नीट की एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, फिर आपको बीई के अंदर, बीटेक के अंदर एडमिशन मिल सकता है। डिप्लोमा के लिए वैसे किसी एग्जामिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। और ऑदर्स में आते हैं बीएससी, एमएससी, उसके अंदर भी बहुत से अलग अलग फील्ड हैं। उसमें आप केमिस्ट्री में बीएससी कर सकते हो, फिजिक्स में बीएससी कर सकते हो, केमिकल्स के अंदर बीएससी कर सकते हो, कंप्यूटर्स के अंदर बीएससी कर सकते हो, ऐसे बहुत से अलग अलग फील्ड के अंदर आप अपना करियर बना सकते हो। अगर इन तीनों फील्ड के अंदर आपने बैचलर्स डिग्री हासिल की तो फिर आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन सकते हो, या फिर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही आसान है रास्ता, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो अभी हमने बात की एजुकेशनल करियर ऑप्शंस के बारे में, एजुकेशनल डिग्रियों के बारे में, तो अब हम बात करेंगे नॉन एजुकेशनल करियर कैसे चूज कर सकते हैं आप, नॉन एजुकेशनल करियर कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो नॉन एजुकेशनल के अंदर वो करियर आते हैं जिनके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस करियर को हासिल करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उस करियर के अंदर आपको मास्टर बनना पड़ता है। तो उसके अंदर आता है स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री। तो स्पोर्ट्स के अंदर आपको अगर अपना करियर करना है तो आप बालेवाड़ी स्पोर्ट एरिया के अंदर, जो पुणे के अंदर बहुत बड़ी स्पोर्ट एरिया है, वैसे बहुत से अलग अलग स्पोर्ट एरिया होते हैं पर वो सबसे बेस्ट स्पोर्ट एरिया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। वहाँ पर बहुत से बड़े बड़े अकेडमीज हैं, वहाँ पर आप एडमिशन लेके स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बना सकते हो। या फिर अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना है, अभी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से करियर ऑप्शन है, आप गाना गा सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप एक्टिंग कर सकते हो, आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इन सभी अलग अलग करियर ऑप्शंस के लिए अलग अलग कोर्सेस हैं, पुणे बॉम्बे जैसे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर बड़े बड़े कोर्सेस हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं इनके, तो वहाँ पर आप जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। वो आपको बैचलर इन आर्ट्स की भी डिग्री देते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके पास डिग्री भी आ जाएगी और वहाँ से आप पास आउट होने के बाद आपको काम मिलने में भी आसानी हो जाएगी। और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक और आखिरी ऑप्शन है, वो है यूट्यूब। इंडिया के अंदर यूट्यूब को बेहतर करियर ऑप्शन नहीं माना जाता, लेकिन बाहर गांव में यूट्यूब को एक स्पेसिफिक करियर ऑप्शन माना जाता है। उसके लिए बहुत से बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हो किस तरीके से यूट्यूबर बने। तो यूट्यूब भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी भी नॉन एजुकेशनल करियर को चूज़ किया है और आपको अपना एजुकेशन भी कम्प्लीट करना है, यानी आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप क्या कर सकते हो, बाहर से भी अपनी डिग्री हासिल कर सकते हो। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो आपको बाहर से डिग्री हासिल करने के लिए, पार्ट टाइम डिग्री करने के लिए मदद करते हैं, तो वैसे कॉलेजेस के अंदर आप अपना एडमिशन करवा सकते हो, जिससे क्या होगा, आपके पास अपनी डिग्री भी मिल जाएगी और आप स्पोर्ट्स के अंदर भी अपना करियर कर पाओगे, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी अगर आपने चूज़ किया होगा तो वो भी अपना करियर कर पाओगे, और आपके पास जो है एजुकेशनल डिग्री भी होगी। तो ये बहुत ही आसान है। तो अब मैंने तो आपको बता दिया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इन सभी करियर ऑप्शंस में से आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है ये आपकी मर्जी है। अब हमने ये तो देख लिया कि
आप 11th 12th के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। वो मैसेज ये है कि आप कोई भी करियर चूज़ करते हो, किसी के भी दबाव में मत आइए, मेरे भी दबाव में मत आइए, अपने माँ बाप के भी दबाव में मत आइए, रिश्तेदारों के दबाव में मत आइए, दोस्तों के और भाइयों के भी दबाव में मत आइए। आपको क्या पसंद है, आपको किस फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, वो पहले आप डिसाइड कीजिए। आपको एजुकेशनल फील्ड में अपना करियर बनाना है या नॉन एजुकेशनल फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना है, ये पहले आप डिसाइड कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप किसी गोल को डिसाइड करोगे पहले से ही, तो क्या होगा, आपका जो टाइम है वो भी बर्बाद नहीं होगा और आपका पैसा जो है वो भी बर्बाद नहीं होगा। टाइम और पैसा बर्बाद नहीं होगा, और आप उस टाइम और पैसे को अगर सही जगह पर लगाएंगे तो उससे आपका ही फायदा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पहले आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है वो देखो, अपना करियर पाथ पहले चूज़ करो कि आपको किस चीज़ के अंदर करियर बनाना है। फिर उसके बाद अपने माँ बाप को समझा के बोलो कि पापा मुझे ये करियर करना है, मुझे इसके अंदर इंटरेस्ट है, उन्हें समझा के बोलो, वो ज़रूर मानेंगे। तो पहले अपने को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है उसके बारे में सोचो, पहले गोल डिसाइड करो, फिर उसके बाद उस करियर को हासिल करने का जो रास्ता है उसके बारे में अपने माँ बाप को पूछो। गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप, यूट्यूब पर मेरे जैसे बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो चेक करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस करियर के बारे में। तो स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज था। मैं सभी के माँ बाप से और रिश्तेदारों से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर किसी भी करियर को फोर्स ना करें कि तू ये बन, तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू पुलिस बन, ऐसे उनके ऊपर अपना करियर जो है थोपे मत, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो उन्हें जीनी है। आप हर वक्त उन्हें उनकी लाइफ के अंदर गाइड करने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। उन्हें खुद का करियर खुद चूज़ करने दीजिए, उनको खुद के जो इंटरेस्ट है उन्हें जानने की कोशिश करने दीजिए, उनको बताइए कि वो करियर कैसे चूज़ कर सकते हैं। हाँ, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें फोर्स मत कीजिए। बच्चों को गाइड कीजिए कि उन्हें किस करियर में जाना चाहिए, उन्हें बताइए, उनको फोर्स मत कीजिए कि तुझे यही करना चाहिए। और अगर कोई बच्चा आपके पास आया कि पापा मुझे ये बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसे बोल के अपना बेटा आया, तो अपने बच्चों को आप गाइड कीजिए उस करियर के लिए। हाँ बेटा, तू ये करियर अगर हासिल करना चाहता है तो तुझे ये करना पड़ेगा, इतनी परसेंटेज चाहिए, ये कॉलेज अच्छा है, वगैरह वगैरह, आप उन्हें गाइड कीजिए उसमें। आप उन्हें अपोज मत कीजिए, ए ये क्या करना चाहता है तू, हाँ इससे अच्छा तो तू कुछ और कोर्स कर ले, तू दूसरा कोई और कोर्स कर ले। तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे ने आपने बताया वो करियर चूज़ किया फोर्सफुली, तो उससे क्या होगा, उसमें वो 100% परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो फेल होता रहेगा। और अगर वो पास भी होगा इवेंचुअली, तो वो अपने करियर के अंदर खुश नहीं रहेगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर खुश नहीं रहेगा। उसे ऐसे लगेगा कि यार मैं अगर मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैंने करियर किया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती, तो ये मलाल उसके ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। और अगर आपका बच्चा, उसको जो चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है वो फील्ड में उसने अगर करियर किया, तो उसके लिए वो काम काम नहीं लगेगा, खेल लगेगा, वो काम इंजॉय हो के करेगा, मस्ती से करेगा, पूरा जी जान लगा के करेगा, वो सब्जेक्ट में टॉप आएगा वो, और उसकी वजह से आप भी खुश रहोगे और वो बच्चा भी अपनी ज़िंदगी पर खुश रहेगा। तो मेरा यही अनुरोध है माँ बाप से कि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करे, उन्हें गाइड करे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कुछ डाउट्स होंगे तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जो करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगा और आपको सही रास्ते के लिए गाइड करूंगा। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में और पेरेंट्स में इन वीडियो को शेयर कीजिए, और आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो ओपिनियंस हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा मेरे चैनल पे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर तब तक के लिए अलविदा। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह बात करूंगा जो बच्चे फेल हुए हैं, उनको अपने फेल्यूर से कैसे फेस करना चाहिए, और उनके माँ बाप को, उनके रिश्तेदारों को, उन बच्चों को किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए,
इसके बारे में बात करूँगा। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।